के फ्यूल टैंक पर एक कुशन पैड मिल जाता है ताकि राइडर को मैक्सिमम कंफर्ट मिले, और ये भी आपको स्टाइलिश डिजाइन के साथ में मिल रहा है। मैं आप लोगों को आज ऐसे बाइक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली जो भी बाइक राइडर्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों का ये पहला पसंद होता है कि इस बाइक को हमें राइड करना है, और इसमें हर फीचर्स भी मिलता है लुक के साथ साथ, सेफ्टी, कंफर्ट, सब कुछ, और प्राइस भी देखेंगे यदि आप कंपेयर करेंगे तो प्राइस भी एक कम्पिटिटिव प्राइस ही रहता है। तो इसमें थोड़े से नए चेंजेस के साथ में आई है, इसमें एक फीचर भी ऐड किया गया, एक दो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। कलर कॉम्बिनेशन जो इसका है वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत क्लासी है, बहुत ज़बरदस्त लुक इसका आता है। आप इसको ऑफिस में जाते हैं या पास पड़ोस में, हर जगह आपकी तारीफ होने वाली है इस बाइक को लेकर, और आप खुद भी खुश रहने वाले हैं। मैं आया हूँ साकीनाका में, यहाँ पायनियर बजाज का शोरूम है, बजाज के पल्सर 150 के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहले इसका आप लोगों को 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूं, देखिए कितनी माइंड ब्लोइंग है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसका फीचर डिटेल बताऊंगा, और लास्ट तक आप लोगों को प्राइस और इस बाइक का डिलीवरी हो गया है, जिन्होंने डिलीवरी लिया है उनका क्या इंटेंशन था, वो क्यों इस बाइक को सेलेक्ट किए और उनका पर्पस क्या है, वो सभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूं। फ्रंट से ये बाइक जो है कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती है, और राइट साइड कुछ इसका ऐसे अपीयर हो जाता है। यहाँ पर नियॉन ग्रीन का जो स्टिकर है ये ज़बरदस्त आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा है ग्रे के साथ में, टेल लैंप कुछ ऐसा दिखेगा, और लेफ्ट साइड से ये बाइक फाइनली कुछ ऐसी अपीयर होगी। अब इसका 360 डिग्री व्यू देखने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट में क्या क्या फीचर्स है, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट में विंड वाइजर मिल जा रहा है, जिसका काम ये होता है राइडर को कंफर्टेबल राइड देने का, जो भी डस्ट वगैरह होता है या हवा का जो स्पीड होता है यहाँ से ये ब्लास्ट होता रहता है, बिखरता रहता है। ये आपको डुअल पायलट हेडलैम्प के साथ में आ रहा है, और इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जा रहा है, मल्टी रिफ्लेक्टर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, और इसका जो कवरिंग है ये तो आपको ट्रांसपेरेंट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ ब्लैक का जो बेस होने की वजह से ये आपको बिल्कुल अलग इसका लुक देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो साइड इंडिकेटर है ये कन्वेंशनल डिजाइन में है, आउटर कवरिंग आपको ट्रांसपेरेंट में मिल रहा है, और इसका जो बल्ब है ऑरेंज कलर का है, इस पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए पल्सर को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने के लिए, फिलहाल आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा इसका लुक आ जा रहा है। और ये आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके मडगार्ड को, तो इसमें आपको शाइनिंग के साथ में इसका मैट फिनिश आपको ग्रे कलर मिल रहा है, और रियर जो पोर्शन हो रहा है मडगार्ड का वो आपको ब्लैक कलर में आ जा रहा है, तो डुअल टोन कलर इसके मडगार्ड में आ जाता है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जा रहा है, जबकि रियर में मिल जाता है आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विद गैस फील्ड कैनिस्टर। अब हम देखते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम का, तो आगे और पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, तो ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ में आ रही है, आगे पीछे दोनों डिस्क हो गया, ABS हो गया, तो आपका जो ब्रेक है वो हर एक सरफेस पर काम करने वाला है, आपका जो ब्रेक रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्किड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके टायर का, तो इसमें आपको 17 इंच के रेडियस का टायर मिल जाता है, और टायर का साइज 80x100 है, इसमें C8 का ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है, और ये 6 स्पोक्स एलॉय व्हील के साथ में ये बाइक आती है, और इसका जो एलॉय व्हील है वो आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिश के साथ में आ रहा है। अब इसके व्हील से आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके फ्रंट बॉडी सेक्शन को देखते हैं, इसमें आपको फ्यूल टैंक से लगता हुआ कुछ आपको ये एरोडायनेमिक शेप देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर पूरा ग्राफिक वर्क आपको यहाँ पर दिख रहा है, पल्सर दोनों साइड में है, नियॉन ग्रीन का आपको स्टिकर मिल जाता है। दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो इसमें कंपनी की तरफ से इनबिल्ट आपको ये लेग गार्ड मिल जा रहा है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, और यहाँ इंजन के नीचे आपको ये अंडर कॉल मिल जा रहा है, स्पोर्टी डिजाइन के साथ में आ रहा है, फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिजाइन मिल रहा है, और इसके अंडर कॉल पर आपको ये स्टिकर वर्क देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो आपको इसमें 2 लेवल सिंगल सीट मिल जा रहा है, और सीट की लंबाई आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। एक कम्यूटर सेगमेंट के बाइक के हिसाब से देखिए तो सामान लेकर भी इसमें आराम से बैठा जा सकता है, और लॉन्ग राइड में भी आपको एक कंफर्टेबल जर्नी मिलने वाली है। और सबसे खूबसूरत पॉइंट यहाँ पर आपको ये स्टिचिंग वर्क, और इसका जो ऊपर में डॉटेड और नीचे में आपको लेदर फिनिश मिल जा रहा है। इस बाइक में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट सिस्टम के साथ साथ किक स्टार्ट भी मिल जा रहा है, कुशन के साथ में फुटरेस्ट, और पिलियन राइडर के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट कुशन के साथ में मिल जा रहा है, और इसका जो साइलेंसर है वो आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है, लेकिन इसमें भी आपको डुअल टोन कलर जैसा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऊपर का थोड़ा सा आपको शाइनिंग के साथ में मिल रहा है, नीचे का आपको स्मोकी ब्लैक कलर का मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं हगर का, तो आपको इसमें 1/4 हगर मिलता है, जो कि रियर पोर्शन को ही कवर करता है, फ्रंट पोर्शन जो है वो कंप्लीटली आपका फ्री हो जा रहा है।
टेल सेक्शन कुछ ऐसा अपीयर होता है, यहाँ पर 150 का ब्रांडिंग मिल जाता है और ये आपका ग्राफिक वर्क यहाँ पर ओवरऑल जो अपीयरेंस है टेल सेक्शन का कुछ ऐसा हो जाता है जैसा पल्सर का पहचान है। आपका जो टेल लैंप है वो ब्रेक स्प्लिट में मिल जाता है और ग्रैब रेल यहाँ राउंडेड मिल रहा है, छोटा सा आपको मिल रहा है ब्लैक कलर के साथ में। और लेफ्ट साइड में हम देखें तो यहाँ पर सिंगल फुटरेस्ट मिल जाता है, लेडीज़ या गर्ल्स जब दोनों पैर एक साथ में रखकर बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ ये साड़ी गार्ड मिल जा रहा है साड़ी और दुपट्टा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो चेंजेस की बात करें तो इस बाइक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दे दिया गया है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिंगल स्टैंड पर आपने गाड़ी खड़ा किया है आप लेकर जल्दबाजी में निकल जाते हैं तो यहाँ पर आपको वो मिसहैपनिंग होने से सेफ रखता है। तो ये सारा डिटेल था इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट के बारे में। अब मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो इस बाइक में आपको इंजन मिलता है 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन पार्क BS6 कंप्लायंट इंजन मिल जा रहा है जो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। इसका मैक्सिमम पावर आपको मिलता है 14 PS का 8500 RPM पर और पीक टॉर्क आपको देखने के लिए मिलेगा 6500 RPM पर 13.2 न्यूटन मीटर का। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। अभी मैं इसको ऑन करता हूं और देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल रहा है। तो ऑन करने के बाद कुछ ऐसा आपको ऑरेंज कलर में इसका आपको डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर यह फुल RPM शो हुआ, RPM लिमिट, इंजन का माल फंक्शनिंग और यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और इसके साथ साथ आप 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं। यहाँ से आप स्विच को प्रेस करके ट्रिप 1 ट्रिप 2 का आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितना आपने राइड किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सारा कुछ। और यहाँ पर आपका लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हाई बीम का और यहाँ पर न्यूट्रल है या गियर में है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप जब ऑन करेंगे तो ही आगे का फंक्शन यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये ऑन होने के बाद यहाँ पर ये न्यूट्रल शो हुआ, इसका मतलब गियर में नहीं है और गियर में डालने के बाद आपको ये पता चल जाता है। तो इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो नहीं मिल रहा है लेकिन आपका गियर में है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। इसके मीटर कंसोल के बाद हम बात कर लेते हैं स्विचेस का। तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको ये 4 स्विच मिल जाता है, पासिंग लाइट, अपर एंड डीपर, यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न और राइट हैंडल बार पर आपको ये किल स्विच और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। इस बाइक का एक खूबसूरत पॉइंट आपको ये लगेगा, इसमें आपको कम रेंज की बाइक होते हुए भी ये जो इसका हैंडल है वो आपको स्प्लिट में मिल रहा है, बहुत फैंसी हो जाता है। और इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो माउंट करने का शेप है वो आपको काफ़ी कम्फर्टेबल राइड देने वाला है। और रेसिंग बार पर जो साइड व्यू मिरर है कुछ ऐसे आपको अपीयर होने वाले हैं, एक कन्वेंशनल डिज़ाइन में दिया गया है, बहुत अट्रैक्टिव है ये मैं नहीं बोलूँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था यहाँ पर कंफर्ट को लेकर, यहाँ पर आपको इसके फ्यूल टैंक पर एक कुशन पैड मिल जाता है ताकि राइडर को मैक्सिमम कंफर्ट मिले और ये भी आपको स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ में मिल रहा है, मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन होता रहे। अब मैं आप लोगों को इसका डायमेंशन बता देता हूँ। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 165 mm का और इसका व्हील बेस है 1345 mm का और इसकी हाइट आपको मिलती है 1115 mm और इसका कर्व वेट 150 kg का मिल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्राइस का। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है 15 लीटर का और इसका आपको माइलेज वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, 50 प्लस ही आपको मिल जाएगा। यदि आप हैवी ट्रैफिक में हैं तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज आपको 50 प्लस इसका आपको माइलेज मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस का। तो ऑन रोड प्राइस इसका आपको 1,23,000 पड़ने वाला है और टोटल ये बाइक आपको 4 कलर में अवेलेबल होती है। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको अभी शेयर हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, अभी फ्लैश हो जाएगा वीडियो में। यहाँ से लेकर फर्दर जो भी आपकी इंक्वायरी है आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस बाइक के ऑनर से मिला रहा हूँ, इन्होंने आज ही डिलीवरी लिया है। आपका नाम? हार्दिक शाह। हार्दिक शाह, अच्छा आप ये बताइए कि इस बाइक को आपने क्यों खरीदा, आपका पर्पस क्या है? पहले से मैंने, ये मेरा 3rd बाइक है बजाज का, पहले से मेरे अंकल थे उन्होंने भी ये बाइक लिया था, पल्सर ही चला रहे। वो कम से कम 15 ईयर से वो पल्सर चला रहे। मेरा खुद का बाइक खुद का है, वो भी पल्सर 180 है, उसको भी कम से कम 3 to 4 years हो गया है। तो हम लोग को पहले, मतलब मैंने आप लोगों से शुरू में बोला कि जो पल्सर चलाते हैं वो तो पल्सर ही चलाएंगे और बाकी लोगों का भी पैशन होता है कि वो पल्सर ही चलाएं, उनकी ख्वाहिश होती है। जैसे आपने फिर से पल्सर ही लिया, हाँ। तो आपका वो ये नया कलर भी मिल गया, बहुत खुश होंगे कि एक नया डिजाइन और इसमें चेंजेस के साथ में मिल रहा है। तो इसका पर्पस क्या है आपके लेने का, जैसे ऑफिस जाएंगे लोकल ट्रेवलिंग होगा? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर इस बाइक को परचेज? यहाँ जो स्टाफ थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने पूरा प्रोसीजर बराबर से कम्प्लीट कर दिया और कंटिन्यूस वो लोग का इंस्टेंस चल रहा था कि कैसे हर जगह पर आपको असिस्ट करते रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, और लोग कोऑपरेटिव है भी। और ओवरऑल जो इस शोरूम को मैं बताऊं तो काफ़ी बड़ा है और हर वैरायटी का आपको डिस्प्ले में भी मिल जाएगा देखने के लिए और हर तरह से मेंटेन भी है, इस तरह से आप देख लीजिए ये शोरूम है, तो काफ़ी अच्छा है। आप आएंगे यहाँ पर विजिट करेंगे तो आप खुश होकर जाएंगे और यहाँ आपका शायद अल्टीमेट परचेज भी हो जाए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से सारी जानकारी मैंने शेयर किया है। थैंक यू शाह जी।